छोटा सा स्या लिबास। आप हमारे चैनल की तरफ से जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ आप इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। अलमारी एक अहम हिस्सा बनी हुई है जो आसानी से लवाजमात की एक सादा तब्दीली के साथ दिन के वक़्त वज़ादार से शाम की रग़बत में तब्दील होती है। टेरल ब्लेज़र, कुरकुरा सफ़ेद कमीज़ें और अच्छी तरह से लेस डिनम जीन्स यकसा तौर पर नागुज़ेर हैं जो इस बुनियाद के तौर पर काम करते हैं जिस पर वर्सटाइल जोड़े बनाए जाते हैं। ये लाजवाल क्लास की चीज़ें अलमारी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं जो बग़ैर किसी आसानी और गैर मामूली ग्लैमर के लाइंतनाही मौके पेश करते हैं। फैशन एक मुतहर्रिक है जो मुसलसल जिद्दत तख्लीकी सलाहियतों और सकाफ़ती असरात के धागों से बुनी जाती है। पेरिस के रन में से लेकर टोक्यो की सड़कों तक असरी रुझानात के उभरते हैं जो जेंडजेस्ट को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और ज़बाने की रूह की अकासी करते हैं। हालिया बरसों में एथलेरस के अरूज ने एक्टिक वेयर और आरामदेह और पुरसकून वज़ादार के दरमियान लाइनों को धुंधला कर दिया है जिससे ख़वातीन को अंदाज की कुर्बानी के बग़ैर आराम को अपनाने की आज़ादी फरहम की गई है। बोल्ड प्रिंट्स, मुतहरिक रंग और इंतखाबी साख्तें और इसके साथ साथ फैशन के मंजरनामे पर हामी हैं जो कि चिंचलपन और इनफरादियत के एहसास के साथ मलबूस हैं। पैदारी भी एक महर्रिक क़ुव्वत के तौर पर उभरी है जिसमें माहौल दोस्त कपड़े और अखलाकी तर्ज अमल ईमानदार सार्फीन के इंतखाब को तश्कील दे रहे हैं। ख्वा ये सनफी सयाल स्लेट बयान के लवाजमात या पुरानी यादों को अपनाने की बात हो, असरी रुझानात ख़वातीन को दिलेरी और मुस्तनद तरीके से अपना इजहार करने की दावत देते हैं। ख़वातीन के फैशन की बेस्ट्री सकाफ़ती असरात के मतनू म्यूज़िक से मालामाल है। हर एक अपने मनफरद रंगों नमूनों और रवायात को आलमी जमालियात में अपना हिस्सा डालता है। हिंदुस्तानी साड़ियों की पचीदा कढ़ाई से लेकर
जापानी कम्युनिज के बहते हुए स्लेट्स तक सकाफती लिबास इंसानी वर्से और तख्लीकी सलाहितों की भरपूर टेम्पेस्ट्री में एक खिड़की पेश करते हैं, बढ़ती हुई एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में फैशन सकाफतों के दरमियान एक पुल का काम करता है, सकाफती मुकालमे को फ़रोग देता है और तनु का जश्न मनाता है। अपनी अलमारियों के इंतखाब में सकाफती इल्हाम को अपनाते हुए ख्वातीन रवायात का एहतराम करती हैं, आवाज़ों को वसत देती हैं और उन्हें उनमें आवाज़ की पस्ती होती है और सरहदों से तजावज़ करने वाले रवाबित को रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। जमालियात से हटकर फैशन ख्वातीन को ख़ुद दरियाफ्त करने और ख़ुद इजहार ख्याल करने के सफ़र पर आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करता है। बाख्तियार बनाने और हौसला अफजाई करने की तब्दीली की ताकत रखता है। स्टाइल के ज़रिए ख्वातीन अपने जिस्मों पर एजेंसी का दावा करती हैं, ख़ुद मुख्तारी का दावा करती हैं, माशरती असूलों और तवक्कोआत को चैलेंज करती हैं। फैशन इंडस्ट्री ने शमूलियत और जिस्मानी मुस्बतस की तरफ एक मिसाली तब्दीली का मुआहदा किया है। ब्रांड्स ने खूबसूरती की मतनु नुमाइंदगी को कबूल किया है और सदाकत के फ़रोग दिया है। ज़्यादा साइज़ के फैशन से लेकर अनकुली लिबास तक ख्वातीन के फैशन का दायरा दुनिया भर में ख्वातीन की बेशुमार शक्लों साइज़ों और सलाहितों को एडजस्ट करने के लिए फैल रहा है। उनकी मुनफरद शनाख्त को गले लगाकर और उनके मुनफरद शख्सियत को पेश करता है और फैशन एक बहुत ही तेज़ी से बदलने का नाम है जो हर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ होता है और अपने में रोज़ बरोज़ तब्दीली करता रहता है। इसके साथ साथ फैशन इंसानी शख्सियत के लिए बहुत अहम किरदार भी अदा करता है। फैशन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जिन्हें हम किसी भी वक़्त
अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और बराए करम इसमें किसी को तंग न करें, किसी को परेशान न करें। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो आप इनका तजर्बा ज़रूर कीजिएगा, और तजर्बा करने से कभी भी मत घबराइएगा, क्योंकि तजर्बे के ज़रिए से ही आप अपने ख्यालात को लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप हमें इस बात से भी आगाह करेंगे कि आपने आज की इस वीडियो में कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है, और अगर आप इससे मज़ीद कुछ और देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर दें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके ख्यालात के मुताबिक वीडियो बनाएं और आपके सामने उसको पेश करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा कीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपके वक्त आपके पास सबसे पहले बुनियादी जो काम है उसकी तरफ आपका जहन चलाया जा सके। तो दोस्तों, आज हमें आप ज़रूर आगाह करेंगे और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब खैर तो अफियत के साथ होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक़्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी कीमती है, आपकी सेहत कीमती है, लिहाजा ऐसे वक़्त में अपने आप को तन्हा कभी मत छोड़िएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत से रोशन दूध करे, आपको हिदायत अता फरमाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ख्यालात के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।